हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। गाइस आज मैं खेलने जा रहा हूँ ग्रेनी चैप्टर 2। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। एंड गाइस आज मैं हेलीकॉप्टर का एस्केप करने वाला हूँ, और गाइस आपको तो पता ही होगा हेलीकॉप्टर एस्केप कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए गाइस फटाफट मैं बाहर चलता हूँ, एंड गाइस अपने को जितना भी आइटम चाहिए मैं सभी को ढूंढता हूँ। और गाइस मुझे इस वाले पार्ट में ग्रैंडपा और ग्रेनी से दोनों से बच के रहना होगा। एंड गाइस यहाँ पे ग्रैंडपा आ भी चुका है, आप लोग देख सकते हैं, एंड ये मुझे देख भी चुका है। तो गाइस अभी मैं फटाफट ऊपर की साइड भागता हूँ, एंड ऊपर की साइड गाइस ये ग्रेनी भी हो सकती है। तो गाइस मुझे थोड़ा सा संभल के खेलना होगा। एंड गाइस यहाँ पे ग्रेनी आप लोग देख सकते थे, यहाँ पे गाइस मैं साइड से निकल चुका हूँ। और गाइस मुझे एक गन चाहिए, जो गाइस एक इलेक्ट्रिक गन होता है वही मुझे चाहिए। पहले गाइस मैं इसको ओपन कर देता हूँ ताकि वो आए तो मैं भाग जाऊँगा यहाँ से। एंड गाइस वो शायद से इसी में पड़ा होगा, देखते हैं। हाँ गाइस इसी में पड़ा, आप लोग देख सकते हैं। गाइस इसका नाम है गाइस स्टन गन। एंड गाइस अब मैं मारता हूँ ग्रेनी को और ग्रैंडपा को ताकि गाइस वो 2 मिनट के लिए मतलब सो जाए। तो इसको मैं पहले शूट करता हूँ। एंड गाइस हम लोग वापस एमो को ले लेते हैं, यहाँ से गैस हम ले लेते हैं। एंड गैस अब हम लोग ढूंढते हैं ग्रैंडपा को और उसको भी गैस एक बार ठोक देते हैं। तो गैस यहाँ से अपने को चलना है, देखते हैं गैस वो कहाँ पे। वो गैस आता ही होगा ऊपर के साइड, क्योंकि गैस उसकी बीवी ग्रेनी तो मर चुकी है गैस, इसलिए गैस आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसको भी गैस मैं शूट करता हूँ। एंड गैस के गले में की होता है, तो वो की मुझे चाहिए, क्योंकि गैस ये सेक्रेटरी की है तो इसको हम लोग को लेना पड़ेगा। तो यहाँ से गैस मैं इसका मतलब जो की है गैस वो ले लेता हूँ। तो गाइज इसके गले में से हम ले लेते हैं इस की को। एंड गाइज इसको लेके चलता हूँ मैं सामने वाले रूम में, जहाँ गाइज हेलीकॉप्टर का एस्केप होगा यहीं से होगा। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। एंड गाइज की को मैं यहीं फेंक देता हूँ। और गाइज अब मैं चलता हूँ इस पहले पेंटिंग को यहाँ पे रख दूँ, जो गाइज ये पिक्चर का पार्ट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। एंड जो गाइज बाकी का आइटम है फटाफट उसको ढूंढते हैं, एंड इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर गाइज पैडलॉक किए, तो गाइज ये तो डोर एस्केप और बोट एस्केप में काम आता है। तो इसको गाइज मैं नीचे फेंक देता हूँ यहाँ पे। एंड गाइज अब हम लोग खोजते हैं अपना नेक्स्ट आइटम, एंड इसमें देखते क्या है। इसमें गाइज रिंच पड़ा है, तो रिंच अपने काम का है लेकिन इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो इसको गाइज मैं यहीं पे फेंक देता हूँ, बाद में हम लोग इसको यूज करेंगे। एंड इसमें देख लेते हैं, तो गाइज इसमें मैनुअल है हेलीकॉप्टर का, तो इसको मैं ले चुका हूँ। एंड इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एंड इसके अंदर भी कुछ नहीं गाइज, कुछ मिला ही नहीं। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी गाइज कुछ नहीं है। और गाइज इसको हम लोग बंद कर देते हैं, एंड इधर से चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो गाइज इसमें एक मीट है, तो ये गाइज एक काम आता है, मैं अभी आपको बता दूंगा ये कहाँ पे काम आता है। पहले गाइज मैं गन को उठा लेता हूँ और इधर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइज इसमें क्रोबार पड़ा है वेंट में, तो अभी मैं उसको जाके ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्रोबार का काम आएगा अपने को। गाइज एक बार इस वाले रूम में भी हम लोग ढूंढ रानी कर लेते हैं, एंड इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। इसके अंदर तो गाइज कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर देख लेते हैं क्योंकि इसमें भी कुछ मुझे मिल सकता है। इसको पहले बंद करते हैं, एंड इसके अंदर, इसके अंदर भी गाइज कुछ नहीं मिला अपने को। तो गाइज एक और इधर थोड़ा छोटा सा रूम होता है, उधर देख लेते हैं। एंड इसमें तो गाइज कुछ है ही नहीं। इसमें गाइज क्रोबार से काम आता है, तो अभी मैं पहले क्रोबार को लेके आता हूँ, फिर मैं चलूँगा। और उसमें एक छोटा सा बॉक्स जो था गाइज, उसी को मुझे ओपन करना है उस क्रोबार से। तो फटाफट मैं उधर उसको लेके आता हूँ जो गाइज क्रोबार है। और गाइज यहाँ पे पहले मुझे इसको हटाना पड़ेगा, जो सामने की साइड है, इसको पहले हम लोग हटाते हैं। हाँ गाइज पहले इसको हटा ले, हाँ गाइज ये हट चुका है। अब गाइज हम लोग क्रोबार को उठा लेते हैं। एंड गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है ग्रेनी और ग्रैंडपा मतलब जिंदा भी हो गए होंगे अब तक। तो अभी पहले मैं इसको लेके चलता हूँ उधर, एंड उसमें देखता हूँ क्या है। तो चलिए गाइज फटाफट मैं इसको पहले चेक करता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या मिलता है। तो इसके अंदर गाइज मुझे एक कटिंग प्लायर मिला है, तो ये तो गाइज मुझे नहीं काम आएगा क्योंकि ये डोर स्केप में काम आता है। अब गाइज मैं नीचे चलता हूँ, एंड नीचे भी थोड़ा सा हम लोग ढूंढना निकल लेते हैं। और गाइज इस क्रोबार को मैं वही नीचे एक साइड फेंक दूंगा, क्योंकि वहाँ पे भी एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कुछ पड़ा होता है। तो पहले वहीं पर चलता हूँ और इस क्रोबार को वहाँ पर फेंक देता हूँ। और गाइज यहाँ पर ग्रेनी और ग्रैंडपा भी लग रहा है मतलब जिंदा हो गए होंगे। तो पहले गाइज हम लोग इसके अंदर चेक कर लेते हैं। एंड इसके अंदर गाइज मुझे मिला एक टेप, जो गाइज हेलीकॉप्टर स्केप में काम आता है। एंड इसको लेके चलते हैं गाइज ऊपर की साइड, और इसको मतलब वहीं पे फेंक देते हैं जहाँ पे गाइज हम लोग सिक्योरिटी की लगाए थे। उधर ही मैं इसको मतलब जितना सामान अपने को मिलेगा वहीं पर हम लोग मतलब इकट्ठा करेंगे। और तो चलिए गाइज फटाफट मैं इस टेप को वहाँ पर फेंक के आता हूँ। फिर गाइज एक बार मुझे ग्रेनी और ग्रैंडपा को मारना पड़ेगा, क्योंकि गाइज वो सब डिस्टर्ब करेंगे। तो अभी मैं चलता हूँ और जो गाइज इलेक्ट्रिक गन है उसको उठाता हूँ। फिर गाइज थोड़ा सा अपने को शोर करना होगा ताकि ग्रेनी आए, तो इसको हम लोग पहले उठा लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा शोर करूँगा ताकि गाइस ग्रेनी आए तो हम उसको ठोक सके। तो यहाँ पे पहले इसको फेंकता हूँ गन को एक बार। ओके गाइस इसको हम लोग फिर से उठा लेते हैं। अब गाइस ग्रेनी आती ही होगी, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा वेट करना है अपने को, एंड देखते हैं कब तक आती है। गाइस वहाँ पे आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसको पहले मैं मारता हूँ। एंड गाइस उसके पीछे ग्रैंडपा भी है, तो वो तो उधर जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इसको हम लोग शूट करते हैं यहाँ से। एंड गाइस यहाँ से एमो दोबारा ले लेते हैं। और गाइस अब मैं ग्रैंडपा को भी मार के आता हूँ एक बार, ताकि वो भी 2 मिनट के लिए मतलब बेहोश हो जाए। तो इसको भी मार देते हैं। एंड गाइस एमो को हम लोग लोड कर लेते हैं ताकि दोबारा फिर काम आएगा इसका, तो कर देंगे यूज।
तो इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। एंड गाइज अब मैं गन को इधर ही कहीं फेंक देता हूँ, फिर गाइज अपने को जो जल्दी जल्दी काम करना है सब कर देता हूँ। तो गन को गाइज मैं यहीं पे फेंक देता हूँ, और गाइज एक बार हम लोग इधर नीचे एक साइड ढूंढना, यहाँ पे गाइज एक पिक्चर का मतलब पार्ट था तो इसको हम लोग वहाँ पे ऊपर रख के आते हैं। फिर गाइज नीचे एक साइड भी पूरा ढूंढा ढांडी हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि गाइज ऊपर का तो पूरा क्लीन मैं कर चुका हूँ, ऊपर तो कुछ नहीं मिला अपने को, तो अब नीचे का बाकी है तो नीचे का हम लोग कर देते हैं। एंड गाइज इसके अंदर मुझे एक फ्यूज़ मिला है, तो फ्यूज़ भी गाइज हेलीकॉप्टर इसके में काम आता है, तो इसको भी उठा के हम लोग इसी में फेंक देते हैं, इधर इसको ले जाके इधर फेंक देते हैं कुछ इस तरह से। ओके गाइज अब मैं चल रहा हूँ नीचे, और नीचे भी जितना आइटम अपने को मिलता है वो सब ला के मैं ऊपर फेंकने वाला हूँ। तो यहाँ से गाइज मैं नीचे चलता हूँ एंड देखता हूँ यहाँ पर मुझे क्या मिलता है। इधर इसको ओपन करते हैं एंड इसके अंदर देखते क्या है। तो इसके अंदर तो गाइज बोट की है, तो इसको गाइज हम लोग नीचे फेंक देते हैं सीढ़ी के पास। गाइज इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, क्योंकि गाइज इसके अंदर जो गाइज वो गन होता है, और गन गाइज अपने को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। लेकिन गाइज अपने को पहले वेपन की चाहिए, फिर हम लोग गन ले पाएंगे। तो पहले गाइज मैं इस बोट की को यहाँ पे फेंक देता हूँ, क्योंकि इसका काम मुझे नहीं है, यहाँ पे इसको फेंक देता हूँ। एंड गाइज अब हम लोग थोड़ा सा ढूंढा ढांडी कर लेते हैं, क्योंकि गाइज नीचे भी मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। एंड इसके अंदर देखते हैं क्या है। ओके गाइज इसके अंदर भी एक पिक्चर का पार्ट है, तो इसको हम उठा लेते हैं। एंड गाइज अपने पास टोटल 3 पीस हो चुका है, और अब तो गाइज अपने को नहीं चाहिए, तो यहीं पे मतलब 3 ही चाहिए था, और तीनों गाइज हेलीकॉप्टर इसके में काम आता है। तो अभी गाइज मैं इसको ऊपर ले चलता हूँ और ऊपर की साइड इसको फेंक देता हूँ, फिर गाइज नीचे अपने को दोबारा से आना है और जो अपने को काम करना है वो करूँगा। तो पहले गाइज मैं इसको यहाँ पर फेंक देता हूँ। ओके गाइज यहाँ पे मैं इसको रख चुका हूँ, और अब गाइज मैं नीचे चलता हूँ और देखते हैं गाइज अब अपने को क्या करना है। पहले गाइज यहाँ से हम लोग एक बार गन उठा लो क्या, हाँ गाइज यहाँ से गन उठा लेते हैं, ताकि गाइज हम लोग एक बार फिर से मार सके ग्रेनी और ग्रैंडपा को। तो यहाँ पे गाइज फिर से मुझे थोड़ा सा शोर करना पड़ेगा। ओके गाइज यहाँ पे अब आते ही होगी ग्रेनी। ओके ओके गाइज यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके गाइज यहाँ पे ग्रेनी आ चुके हैं, तो पहले मैं ग्रेनी को मारता हूँ। एंड गाइज हम लोग एमो को ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडपा भी आता ही होगा, तो पहले गाइज यार एमो उधर चला गया, इसको ढकेलते हैं। एंड गाइज हम लोग एमो को उठा लेते हैं। ओके गाइज अब मैं गाइज इधर की साइड चलता हूँ और देखता हूँ गाइज यहाँ पे ग्रैंडपा है, तो उसको भी हम लोग सुला देते हैं 2 मिनट के लिए। तो फटाफट से उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि गाइज अगर थोड़ा लेट होगा तो फिर ये उठ जाएगी, फिर बारी बारी उठते रहेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं गाइज वो कहाँ पे है ग्रैंडपा। गाइज वो कहीं दिख ही नहीं रहा है, गाइज वो कहाँ पे है कहीं दिख ही नहीं रहा है, लग रहा है गाइज वो नीचे एक साइड है। तो नीचे एक साइड मैं चलता हूँ एंड देखता हूँ गाइज वो नीचे, तो उसको पहले सुलाता हूँ एक बार। गाइज मैं इधर की साइड एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी गाइज ग्रैंडपा सोया होता है, तो एक बार देख लेते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे वो सोया नहीं है, तो हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइज इसके अंदर मुझे हेलीकॉप्टर का की मिल चुका है, लेकिन गाइज इसको उठाने से पहले एक बार मैं ग्रैंडपा को मार देता हूँ। हाँ गाइज यहाँ पे तो इसको पहले मार देते हैं। एंड गाइज यहाँ से मैं एमो को ले लेता हूँ दोबारा, और गाइज गन को मैं यहीं फेंक देता हूँ, फिर गाइज लेके चलता हूँ मतलब वो जो गाइज हेलीकॉप्टर की है उसको उठा कर लेके चलता हूँ ऊपर की साइड। तो फटाफट से इसको उठा लेता हूँ यहाँ से एंड गाइज को लेके चलता हूँ ऊपर, और गाइज वही सेक्रेटरी रूम में वहाँ पे मतलब इसको फेंक के आता हूँ। फिर गाइज जो अपने को नेक्स्ट आइटम चाहिए वो ढूंढते हैं। इसके बाद मुझे लग रहा है गाइज बस अपने को गैसोलीन चाहिए, फिर गाइज जैसे ही अपने को गैसोलीन मिलता है फिर अपना जो गाइज गेम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मैं फेंक देता हूँ। अब गाइज मैं चलता हूँ नीचे, और नीचे की साइड हम लोग थोड़ा सा ढूंढा ढांडी कर लेते हैं, क्योंकि गाइज मैं बहुत सा जगह छोड़ा हूँ, तो वो सब जगह मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि गाइज वहाँ पर मुझे कुछ मिल सकता है। एंड देखते हैं गाइज इधर के साइड, तो गाइज इसके अंदर एक बार देख लेते हैं, कुछ पड़ा हो तो ले लेंगे। तो इसके अंदर तो कुछ नहीं है गाइज, और यहाँ पे एक गन है, तो गन के लिए मुझे वो वेपन की चाहिए, तब वो मिलेगा मुझे। एंड गाइज इधर के साइड देख लेते हैं, इधर गाइज इसे एक क्लॉक के पास देख लेते हैं, तो इसमें तो गाइज कुछ नहीं है। लेकिन गाइज यहाँ पे एक छोटा सा रूम होता है, उसको हम लोग ने चेक किए, तो इधर भी कर लेते हैं। तो इसके अंदर गाइज यहाँ पे तो सेफ की लगेगा, तो यहाँ पे देखते हैं गाइज यहाँ पे कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो गाइज अब मैं चलता हूँ नीचे की साइड, वहाँ पे एक मतलब बॉक्स होता है, तो वो क्रोबार से खुलता है, तो क्रोबार तो यहीं पे पड़ा है, तो इसको हम लोग उठा लेते हैं और देखते हैं उसके अंदर से मुझे शायद कुछ मिल जाए। तो इधर हम लोग चलते हैं एंड इस बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो गाइज इसके अंदर तो स्पार्क लगे, तो ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो गाइज बोट इसके में मतलब काम आता है, तो ये मेरे किसी काम का नहीं। तो अभी मैं चलता हूँ ऊपर, क्योंकि गाइज ऊपर वाला जो गाइज एकदम टॉप फ्लोर है गाइज, जहाँ पे हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, वहाँ पे गाइज शायद से कुछ पड़ा होगा, तो अभी गाइज मैं वहीं पे जा रहा हूँ। एंड गाइज वहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ मिल सकता है, तो फटाफट मैं वहाँ पे चलता हूँ एंड गन को उठा लेता हूँ, और गाइज वहीं पे मैं भी चल रहा हूँ, देखते हैं गाइज वहाँ से मुझे क्या क्या मिलता है। वैसे तो गाइज मुझे पता है वहाँ पे 2-3 चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे मिल सकता है। तो अभी गाइज मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ इसके अंदर। तो गाइज इसके अंदर डोर हैंडल है, तो ये डोर स्किप में काम बनता है, तो इसका कोई मुझे काम नहीं है। अभी गाइज मैं ऊपर आ चुका हूँ एंड इधर हम लोग देख लेते हैं, पहले यहाँ पे गन को फेंक देता हूँ और गाइज इधर हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर गाइज एक हैंड व्हील है, और ये भी गाइज डोर स्किप में काम आता है, तो इसको हम लोग नीचे फेंक देंगे, क्योंकि ये अपने किसी काम का नहीं है। और एक बार इधर की साइड देख लेते हैं, इधर की साइड देखते हैं क्या मिलता है अपने को। तो यहाँ पे गाइज बहुत सारे, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है,
इसके अंदर भी गैस कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर गैस अपने को वेपन की मिल चुका है। तो अभी गैस मैं नीचे चलता हूँ, लेकिन इधर हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे गैस सामने साइड जो था गैस, वहीं पे अपने को जो पिक्चर का पीस है गैस वहीं पे लगाना था। उसको गैस मैं बाद में लगा दूंगा, पहले मैं नीचे चलता हूँ और वो शॉट गन को लेके आता हूँ, क्योंकि गैस ऊपर की साइड शॉट गन का काम आता है। तो अभी मैं नीचे चल रहा हूँ वहीं पे जहाँ पे गैस वेपन पड़ता है, यहाँ पे ट्रैप लगा है, यानी गैस ग्रैनी और ग्रैंडपा दोबारा से जिंदा हो चुके हैं। तो अभी गैस मैं नीचे चलता हूँ, फटाफट से उस गन को लेकर आता हूँ, और गैस वहीं पे मतलब उसी गन से गैस मैं एक बार मतलब ग्रैंडपा को ग्रैनी को मार दूंगा। तो चलिए गैस फटाफट मैं उस गन को लेकर आता हूँ, एंड इसके अंदर से हम लोग चलते हैं, और गैस इसको हम लोग ओपन करते हैं, और यहाँ से हम लोग शॉट गन को उठाते हैं फटाफट से, और इसको गैस लोड भी कर देते हैं, यहाँ से इसको लोड करते हैं और एक और गोली। ओके गैस अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा साउंड करना है, फिर गैस ग्रेनी आएगी तो उसको हम लोग मार देंगे। यहाँ पर गैस मैं साउंड करता रह रहा हूँ, अभी गैस ग्रेनी आती ही होगी। ओके गैस यहाँ पे एक बार और करते हैं, एंड अब गैस ग्रीनी आती होगी, यहाँ पे बस अपने को थोड़ा सा वेट करना है, फिर गैस हम लोग एक बार ग्रैंड पापा को भी मार देंगे, क्योंकि वो भी आके मार सकता है अपने को। ओके गैस यहाँ पे ग्रेनी आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ से शूट कर देता हूँ, और गैस ये 2 मिनट 30 सेकंड के लिए पूरा सो चुकी है, मतलब बेहोश हो चुकी है। अब गैस मैं बाहर निकलता हूँ, एंड गैस यहाँ पे देख लेता हूँ ग्रैंड पापा तो नहीं है ना गैस, वो अगर आता है तो इसको भी मतलब 2.5 मिनट के लिए सुला देता हूँ। तो वो तो गैस दिख नहीं रहा है। तो गैस यहाँ पे एक मतलब मैं शैतान होता है, उसको पहले हम लोग एक बार मार देते हैं राक्षस टाइप, क्योंकि उधर भी अपने को कुछ मिल सकता है, तो उसको पहले हम यहाँ पे मार देते हैं। एंड गैस ये मर चुका है। अब गैस मैं चलता हूँ ऊपर की साइड और इस शॉटगन को वापस से रिलोड करता हूँ, क्योंकि गैस ग्रैंडपा भी आता ही होगा। तो इधर से मैं चलता हूँ, एंड गैस ग्रैंडपा आ चुका आप लोग देख सकते हैं। तो फटाफट गैस मैं इधर से चलता हूँ और गैस शॉटगन को रिलोड करता हूँ, एंड गैस यहाँ पे एमो पड़ा होता है, तो यहाँ से हम इसको लोड कर लेते हैं, इसको भी एंड इसको भी। अब गैस मैं नीचे चलता हूँ, फटाफट से उसको ठोक के आता हूँ। तो इधर से चलता हूँ, लेकिन गैस यहाँ पे ग्रैंडपा आ चुका है, एंड गैस ये मुझे मार चुका है यार। गैस हम लोग उसको देखे ही नहीं, मतलब झटके से आ गया गैस, इसलिए मुझे पता नहीं चला है। तो गैस यहाँ पे अपना एक दिन बर्बाद हो चुका है। ओके गैस यहाँ पे मैं वापस से आ चुका हूँ, तो फटाफट से मैं गन को उठाता हूँ और गैस इसको मैं लेके चलता हूँ बाहर के साइड। एंड गैस यहाँ पे एक बार लग रहा है गैस ग्रेनी भी जिंदा हो गई होगी, तो हम लोग ग्रेनी को पहले मार देते हैं। यहाँ पे गैस मैं थोड़ा सा साउंड करता हूँ, तभी गैस ग्रेनी आएगी। अब गैस ग्रेनी आ चुकी है आप लोग देख सकते हैं, तो फटाफट इसको भी शूट कर देते हैं। एंड गैस अब मैं चलता हूँ ऊपर, और गैस ग्रैंडपा को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गैस वो मुझे बहुत ही बुरा मारा है गैस, पता ही नहीं चला, मतलब गैस वो झटके से आया गैस, इसलिए मुझे पता नहीं चला है। तो अभी गैस मैं ऊपर चल रहा हूँ, और ऊपर की साइड गैस एकदम टॉप फ्लोर पे जाऊँगा, जहाँ पे गैस हेलीकॉप्टर होता है, क्योंकि गैस ऊपर की साइड गन का काम आता है। तो ऊपर हम लोग चलते हैं, और पहले इस गन को मतलब वहीं पर मैं छोड़ देता हूँ, फिर गैस जो छोटा वाला गन था उसको उठा लेंगे, एंड इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा है गैस। तो अभी मैं वो डायरेक्ट वहीं पे जाने वाला हूँ, फिर गैस जो अपना रेंज चला काम है गैस वो हम लोग कर देंगे, फिर देखते हैं क्या मिलता है अपने को। तो फटाफट गैस मैं ऊपर चलता हूँ, और इस मतलब शॉर्ट गन को वहीं पे फेंक देता हूँ। ओके गैस मैं इस गन को यहीं पे फेंक देता हूँ, और अब मैं नीचे चलता हूँ और अपना रेंज वाला जो काम है गैस वो कंप्लीट करके आता हूँ। तो फटाफट मैं नीचे चलता हूँ, लेकिन गैस यहाँ पे ग्रैंड पा रहा है गैस, मैं गलत समय पे कूद गया हूँ, और गैस ये मुझे मार चुका है यार। गैस मैं गलत समय पे वहाँ पे जंप कर दिया हूँ, वहाँ पे गैस मुझे जंप नहीं करना चाहिए था। और गैस यहाँ पे अपना डेट 3 हो चुका है, और गैस यहाँ पे 2 दिन बर्बाद हो चुका है अपना। ओके गैस यहाँ पे रेंच पड़ा है, तो हम रेंच को उठा लेते हैं, एंड जो गैस हमारा रेंच का काम है वो हम लोग कंप्लीट करके आते हैं। तो फटाफट गैस मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ जहाँ पे गैस शैतान था, क्योंकि जो रेंच है गैस वो वहीं पे काम आता है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं गैस इधर, एंड गैस ये शैतान लग रहा है गैस वापस से जिंदा हो गया, क्योंकि हम लोग 2 बार मतलब मर चुके हैं इसलिए गैस। तो गैस ये मुझे यहीं पर यूज करना है इस रेंच को, ताकि गैस जहाँ पे शैतान रहता है वहाँ पे जो गैस बीच में पानी है वो बंद हो जाए। गैस अब ऊपर का जो पानी है गैस वो बंद हो गया होगा, तो अब मैं ऊपर चलता हूँ और गैस उस मीट को लेके आता हूँ, ताकि गैस हम लोग वहाँ पे जो पड़ा है इसके जो गैस पिजड़ा है उसके यहाँ जो पड़ा है उसको हम लोग ले सकें। तो फटाफट गैस वहीं पर चलता हूँ जहाँ पर मीट पड़ा था गैस। वो जो मीट है गैस वो लग रहा है गैस वो किचन की साइड पड़ा होगा, क्योंकि गैस वहीं पर मैं देखा था। तो मैं फटाफट किचन की साइड चलता हूँ, एंड गैस यहाँ पर ग्रेनी मुझे देख चुकी है, तो फटाफट मुझे भागना पड़ेगा। तो मैं इधर से भाग जाता हूँ ऊपर की साइड इस सीढ़ी से गैस, इधर से मैं भाग जाता हूँ आराम से भाग जाऊँगा। ओके लेकिन गैस यहाँ पे मैं गिर चुका हूँ, इस मुझे पड़ा पड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन यार गैस यहाँ पे मेरा थोड़ा सा भी गलती नहीं, क्योंकि गैस मैं ऊपर चढ़ रहा था आराम से, फिर पता नहीं कैसे गैस मैं नीचे गिर गया। तो गैस यहाँ पे अपना 3 दिन बर्बाद हो चुका है गैस। यहाँ पे मैं वापस से आ चुका हूँ, एंड गैस जो गैस मीट वाला काम है गैस उसको मैं बाद में करूँगा, पहले गैस मैं ऊपर चल रहा हूँ और ऊपर जितना भी काम है गैस मैं सभी को पहले कंप्लीट कर देता हूँ। तो गैस यहाँ से मैं फ्यूज को उठाता हूँ और इसको मैं लेके चलता हूँ ऊपर, मतलब जितने काम की चीज़ें गैस सबको मैं ऊपर लेके चलता हूँ, फिर ऊपर सभी चीज़ को मैं लगा देता हूँ। लेकिन गैस सभी चीज़ों को मुझे ऊपर ले जाके लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए गैस मैं थोड़ा सा पार्ट कट कर देता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। तो चलिए गैस मैं थोड़ा सा मतलब सब कुछ यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गैस ये सामने वाला दरवाजा खोलने के लिए मुझे यहाँ पे पेंटिंग लगाना पड़ेगा। तो गैस आप लोग देख सकते हैं ये दरवाजा खुल चुका है। अब गैस मैं अंदर चलता हूँ, देखता हूँ क्या चाहिए मुझे। तो गैस यहाँ पे मुझे गन चाहिए, तो चलिए पहले मैं गन लेके आता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
गाइज मैं गन को लेकर आ चुका हूँ एंड गाइज यहाँ पे मुझे थोड़ा सा खेलना पड़ेगा गेम की तरह। तो इसको पहले यहाँ से हम लोग गोली निकाल लेते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और गाइज यहाँ पे मुझे बस शूट करना है जो रेड वाला गाइज उसी को शूट करना है, फिर ये जो लाइट है गाइज वो ग्रीन हो जाएगा। तो गाइज जो बगल वाला डोर है गाइज वो ओपन हो जाएगा। तो गाइज एक तो हो चुका है और दो और बाकी है, तो दो को हम लोग फटाफट करते हैं, फिर गाइज अपना जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। तो गाइज इसको रुकने देते हैं, फिर गाइज इसको मारूंगा। ओके गाइज ये रुक नहीं रहेगा, आप देख सकते हैं। ओके गाइज यहाँ से एक और हो चुका है और गाइज एक और बाकी है लास्ट वाला, तो उसको भी फटाफट से करते हैं हम लोग एंड इस वाले डोर को खोलते हैं। तो गाइज ये इसको रुकने देते हैं। हाँ गाइज ये भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब गाइज मैं इसको भर देता हूँ यहाँ पे एंड इसको हम लोग यहाँ पे फेंक देते हैं एंड देखते हैं गाइज यहाँ पे अपने को क्या चाहिए। तो गाइज यहाँ पे मुझे एक फ्यूज चाहिए, तो चलिए मैं फ्यूज को लेकर आता हूँ और इसमें लगाता हूँ। गाइज यहाँ से फ्यूज को मैं उठाता हूँ और लेके चलता हूँ वहीं पे जहाँ पे डोर है गाइज, तो उसको गाइज लेके चलता हूँ, देखते हैं गाइज उसके अंदर से मुझे क्या मिलता है। और गाइज को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एंड गाइज ये जो लाइट था गाइज वो ग्रीन हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स इसके अंदर देख लेते क्या है। गाइज इस बॉक्स को ओपन करता हूँ एंड गाइज इसके अंदर बहुत सारे ग्रेनेड है, तो ग्रेनेड का काम तो मुझे नहीं है एंड गाइज यहाँ पर हेलीकॉप्टर पड़ा है। तो चलिए गाइज यहाँ से मैं टेप को लेकर आता हूँ, ये वाला हम लोग ओपन कर देते हैं, शॉर्टकट एरिया है एंड यहाँ से हम लोग लेकर आते हैं टेप को। और गाइज इसके अंदर हम लोग चेक कर लेते हैं, देखते हैं कुछ पड़ा है, इसके अंदर तो कुछ नहीं है। एंड गाइज यहाँ से हम लोग चलते हैं और अपने टेप को ले लेते हैं। गाइज इस टेप को मुझे वहाँ पे लगाना है जो गाइज हेलीकॉप्टर का जो गाइज पंखी है उसको मुझे जोड़ना है, क्योंकि गाइज एक पंखी जो टूटा है इसको मुझे इससे जोड़ना है। तो इसको गाइज मैं जोड़ लेता हूँ, हाँ गाइज इधर से लगेगा, तो इसको हम लोग लगाते हैं इस साइड से। और गाइज इधर से हम लगा चुके हैं एंड गाइज ये पूरा सही हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब गाइज बस मुझे इसके अंदर एक गैसोलीन डालना है और हेलीकॉप्टर की मिल जाता है, वो तो है ही गाइज मेरे पास हेलीकॉप्टर की यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग लेके चलते हैं एंड उसी हेलीकॉप्टर के पास फेंक देते हैं। एंड कि यहाँ पर मुझे गैसोलीन चाहिए, तो चलिए मैं मीट वाला काम करता हूँ, फिर गैस अपने को गैसोलीन भी मिल जाएगा। A few moments later. Okay guys, मैं इस मीट को राक्षस के पास लेकर आ चुका हूँ। अब गाइज ये मुझे काटेगा नहीं, बस मेरे पीछे पीछे आएगा, क्योंकि गाइज मेरे हाथ में मीट है तो ये मुझे कुछ नहीं करने वाला है। तो गाइज मैं मीट को यहाँ पर रख देता हूँ, बट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो गाइज यहाँ पे सेव किए, तो ये तो गाइज वहाँ पे काम आएगा, तो शायद से गाइज उसके अंदर पड़ा होगा गैस। तो चलिए गाइज पहले मैं की को उठाता हूँ और वही सेफ के पास चलता हूँ जहाँ पे गाइज सेफ होता है। तो इसको यहाँ से मैं उठा चुका हूँ एंड गाइज फटाफट से मैं चलता हूँ वहीं पे जहाँ से गाइज जहाँ पे गाइज डोर स्केप वाला होता है गाइज, उसी के सामने एक छोटा सा होता है रूम, उसी के यहाँ मुझे यहाँ पे लगाना है। तो फटाफट वहीं चलता हूँ एंड गाइज मुझे जाना है इधर से, तो इधर से हम लोग चलते हैं और उस सेफ को ओपन करते हैं एंड गाइज साथ उसी में मतलब जो गैसोलीन गैस उसी में पड़ा होगा, तो इसको ओपन करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मुझे गैसोलीन मिल चुका है, तो इसको मैं लेके चलता हूँ गाइज हेलीकॉप्टर के पास। गाइज यहाँ पे मैं गैसोलीन को लेकर आ चुका हूँ। अब गाइज मुझे बस जो गाइज फ्यूल वाला टैंक उसको बस भरना है, फिर गाइज हम लोग यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। और गाइज यहाँ से बस मुझे यहाँ पे टैप करना है गाइज, फिर अपने आप ये भरते रहेगा। तो गाइज ये अभी तो रेड है, अभी गाइज येलो होगा और गाइज जब तक ग्रीन नहीं हो जाता है तब तक मुझे करते रहना है। ओके गाइज ये बस भरने ही वाला है एंड गाइज ये भर चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ से मैं हेलीकॉप्टर का की उठाता हूँ और गाइज यहाँ पे भागता हूँ मैं फटाफट, तो यहाँ से हम उठा लेते हैं एंड गाइज अब मैं एंटर करता हूँ हेलीकॉप्टर के अंदर, यहाँ से स्टार्ट इंजन। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं ग्रेनी चैप्टर 2 को भी कंप्लीट कर चुका हूँ एंड आई होप आज का डो आपको पसंद आएगा एंड आज का डो आपको ज़्यादा भी पसंद आया, वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ एंड गाइज यहाँ पे अभी ग्रेनी और ग्रैंड पा आ गए, तो देखते हैं गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सब। तो चलिए गाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।